सब्सक्राइब करें जीबी शो चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। यूट्यूब समाचार के एक नेक्स्ट और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। यहाँ पर आज मैं फिर से आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज लाया हूँ और समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। आप सभी जानते हैं कि Vivo एक अकेला ऐसा ब्रांड है जो कि अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को सबसे पहले मार्केट में, मोबाइल मार्केट में लेके आया है। वही सबसे पहला ब्रांड है जिसने कहा है कि वो ऐसा एक मोबाइल लाने वाला है, या कई लोगों तो वो टेस्ट भी कर रहे हैं, जो वीडियो से कई देखने को मिल रही है, जो फोन है उसकी स्क्रीन पे ही फिंगरप्रिंट सेंसर है। बट अब Vivo यहाँ पर ऐसा भी ब्रांड बन गया है जो सबसे पहले 10GB रैम का एक मोबाइल लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर एक सोर्स के अनुसार कहा जा रहा है कि Vivo X-Play 6 जो इतना सक्सेसफुल हुआ उसको देखते हुए Vivo ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि वो एक ऐसा मोबाइल लॉन्च करने वाले हैं जिसमें 10GB की रैम होगी। और इंटरनल स्टोरेज का अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं कि इसमें कितनी इंटरनल स्टोरेज होगी, कितनी नहीं होगी, बट उन्होंने ये बात क्लैरिफाई करी कि ऐसा मोबाइल मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें 10GB की रैम होगी। अभी तक हमने जो मोबाइल देखा है 8GB रैम तक की, जो OnePlus 5T है उसका जो सबसे ऊपर वाला मॉडल है वो 8GB रैम के साथ आता है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो 10GB का मोबाइल आने वाला है मार्केट में हमें क्या धूम मचाता है, क्या धूम नहीं मचाता है और हमें किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, जो दूसरी खबर आ रही है वो ये है कि ओला जो इंडियन स्टार्टअप है, जो आपको जहां से आपको टैक्सी मिलती है, जिससे आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, उन्होंने मन बना लिया है इंटरनेशनल मार्केट में पैर रखने का और मन बना लिया है उबर जो कंपनी है उसको बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देने का। तो यहां पर ओला ने आज से स्टार्ट कर दी है ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विस। उन्होंने कई प्राइवेट कैब्स हैं जो ऑलरेडी अपने उसमें कंपनी में डाल ली हैं और जो वहां पर चलना आज से शुरू हो गई हैं। तो यहां पर ओला ने बहुत ही बड़ा झटका दिया है उबर को, जिन्होंने जो इंटरनेशनली पूरा डोमिनेट करता है टैक्सी मार्केट को, वहां पर अब ओला भी इंटरनेशनल जा रहा है। ओला अभी तक सिर्फ इंडिया में था, इंडिया में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, जबकि अभी भी सारी स्टेट्स नहीं है जहां ओला पहुंच गया है, बट उसके अलावा भी उन्होंने मन, बट जो भी मेजर सिटीज हैं इंडिया की, मेट्रो सिटीज है इंडिया की, वहां पर ओला बहुत इजीली अवेलेबल है, बट अब वो कंपटीशन दे रहा है उबर को और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विस स्टार्ट कर रहा है। तो बहुत जल्दी हमें देखना है कि ये अपनी सर्विस किस तरह से आगे लेके जाते हैं, किस तरह से आगे नहीं लेके जाते हैं और कितना सक्सीड हो पाते हैं या कितना सक्सीड नहीं हो पाते हैं। बट हम सबकी दुआएं हैं कि इंडियन मार्केट, इंडियन स्टार्टअप की ये कंपनी आगे बढ़े और पूरे देश में अपना नाम करे। दोस्तों, जो तीसरी खबर आ रही है वो ये है कि जो पेटीएम हमारी इंडियन स्टार्टअप है उसकी इवोल्यूशन हो गई है $10 billion, मतलब वो $10 billion की अब कंपनी हो गई है, इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इतने ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन उसके थ्रू हो रही हैं और बहुत सारा पैसा है जो उसके बैंक में, जो पेटीएम बैंक या पेटीएम वॉलेट है जो उसमें सेव है। अब इससे क्या हुआ है कि इसकी शेयर मार्केट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जहां पर जब ये पेटीएम स्टार्ट हुई थी जिन लोगों ने पेटीएम पे भरोसा किया था वो लोग वही हैं जो आज पेटीएम में काम कर रहे हैं, जो पेटीएम के इंप्लॉयज़ हैं जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने उन शेयर्स पे इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्हें लगता था कि पेटीएम एक दिन बहुत आगे बढ़ी जाके बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, आज वो सभी इंप्लॉयज करोड़पति बन गए। जी हाँ, एक सबसे लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से करीब 200 ऐसे इंप्लॉयज हैं जो अचानक करोड़पति बन गए हैं इस एवोल्यूशन के बाद, जो पेटीएम को बनाती है $10 billion की कंपनी। दोस्तों, जो अगली खबर आ रही है वो है फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की तरफ से। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो जो फेसबुक लाइव न्यूज़ जो भी आती है, न्यूज़ फीड्स जो भी आती है, उसमें अब वो लोकल मार्केट को कवर करने वाले हैं। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक आपके फ़ोन से ट्रैकर से आपको ट्रैक करता है कि आप किस कंट्री में रहते हो, कहाँ रहते हो, किस लोकेशन में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, किस स्ट्रीट में रहते हो, उसकी हेल्प से वो अब आपको सिर्फ वही न्यूज़ दिखाएंगे जो आपके बिल्कुल आसपास की न्यूज़ है। मतलब आपके लोकेलिटी में क्या चल रहा है, आपके सिटी में क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है, उसके आसपास की न्यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। अभी तक होता था कि आपको देश विदेश की न्यूज़ मिलती थी, बाहर में क्या चल रहा है, इस कंट्री में क्या चल रहा है, बट अब उनका ये कहना है कि जो बिल्कुल आपके आसपास हो रहा है वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं। इस चीज़ से होगा ये कि आगे चल के जो आपकी लोकल मार्केट है वो भी फेसबुक पे ऐड देगी, वो भी फेसबुक उससे पैसे कमाएगा। वहाँ जैसे मान लीजिए मेरी एक शॉप है और अगर वो मेरी शॉप लोकल फेसबुक मार्केट वहाँ पर आने लगती है न्यूज़ में, हर रोज़ लोग देखते कि वहाँ पर वो शॉप है, तो ऑब्वियसली मेरा सेल बढ़ जाएगी मेरी। तो फेसबुक की स्ट्रैटेजी है कि वो आसपास के लोगों को भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इससे हमें क्या फायदा होता है, क्या फायदा नहीं होता है। दोस्तों, जो अगली खबर आ रही है, जो भी टॉप के नीदरलैंड के बैंक्स हैं या डच जो भी बैंक हैं उन पे साइबर अटैक हुआ है। अभी 2 दिन पहले, ये लास्ट जो वीकेंड गया उस पर ये हुआ कि उनकी कई सर्विसेज काम करना बंद करने लग गई, कई सर्विसेज में ये आने लगा कि साइबर अटैक पाया गया है उस पर, ये उस पर उनके उस स्क्रीन पे आने लग गया, कई उनकी नेट बैंकिंग में काम करना बंद कर दिया। अब उस पर उन्होंने क्या स्टेप लिया, क्या स्टेप नहीं लिया, इस पर कोई अभी खबर नहीं है, बट ये लीगल स्टेटमेंट उन लोगों की तरफ से आया, उन बैंक्स की तरफ से आया है कि हाँ, हमारे बैंक पे साइबर अटैक हुआ था। दोस्तों, जो अगली खबर आ रही है वो ये है
कि यूके में एक आर्म्ड रॉबरी हुई है। दोस्तों आर्म्ड रॉबरी इज अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत जनरली होती है, इंडिया में भी होती है, कहीं भी लोग आते हैं बंदूक लेके आते हैं और कुछ चोरी कर लेते हैं। बट सबसे खास बात इस रॉबरी की ये है कि ये आर्म्ड रॉबरी बिटकॉइंस की हुई है। यहां पर क्या हुआ है कि साउथ इंग्लैंड में कुछ लोग आए, उनके घर में जबरदस्ती घुस गए, उसकी वाइफ को बंदी बनाया और उसे फोर्स किया गया कि जो भी तुम्हारे पास बिटकॉइंस है उसको इस एड्रेस पे ट्रांसफर कर दो। दोस्तों ये बहुत ही अलग और चौंका देने वाली खबर है कि यहाँ पर बिटकॉइंस की भी चोरी स्टार्ट हो गई है। लोग आके धमका रहे हैं कि अपने बिटकॉइंस को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्योंकि आज की डेट में बिटकॉइंस की जिस तरह से वैल्यू बढ़ गई है उस तरह से तो अगर एक बिटकॉइन भी किसी को मिल जाता है तो 14-15 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि इस YouTube समाचार की सीरीज को मैं किस तरह से और इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह की न्यूज देखना चाहते हैं, किस तरह की न्यूज नहीं देखना चाहते हैं। अभी तक मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत लोग ईमेल्स कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं कि आप ये करो वो करो। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं, ताकि उस तरह की न्यूज मैं आपके लिए लेके आऊं। तो दोस्तों यहां पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नई न्यूज के बारे में पता लगा सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।